जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम्पल है जिसमें अगेन एक पुश वाला एग्जाम्पल है, तो पुश वाला एग्जाम्पल है तो आपने क्या सिखाया था मैंने आपको, इसको एक्सटेंड कर लिया करो, रोका मत करो यहाँ। तो ये क्या है एफ, अगर ये 30 है तो ये भी क्या है 30 डिग्री। अब मुझे पता है कि जो फोर्स है इसके दो कॉम्पोनेंट्स हैं, एक इसकी तरफ कितना एफ कॉस 30 और एक ये कितना एफ साइन 30, एफ कॉस 30 एफ साइन 30। सबने ड्रॉ किया, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ करेगा ऊपर और वेट कहाँ करेगा नीचे 15 इंच। अब ऊपर की कौन सी फोर्स है, एक एन है, बस एन है ऊपर की, और नीचे की तरफ क्या है 15 g भी है और एफ कॉस 30 भी है। एफ का मतलब यहाँ पर 10 है तो 10 कॉस 30 भी है। तो ऊपर की फोर्स क्या है एन, नीचे की फोर्स क्या है 15 g प्लस 10 इंटू कॉस ऑफ 30। वैल्यूज पुट करना, आंसर आएगा। क्या ये स्टेप सबको ठीक समझ में आ रहा है, क्लियर है यहां तक? तो बहुत जरूरी है, ये टाइप का डायग्राम बहुत बार यूज होने वाला है, इसलिए बार बार प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि आने वाले टाइम में आप कम से कम डाउट आपको आए। ठीक है, इसी के बेस पे मैं आपको दो क्वेश्चन देता हूं, आपको अपने आंसर देना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा हूं, डायग्राम बेसिक सेम रहेगा, अपना आंसर कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन है कि सपोज आपके पास ये एक ग्राउंड है और सपोज ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में, इस ब्लॉक के ऊपर मैंने फोर्स लगाई 10 न्यूटन या एफ फोर्स लगाई, मैंने फोर्स लगाई एफ, और कैसे लगाई, मैंने फोर्स की जो वैल्यू लगाई वो एक्स के साथ एंगल क्या बना रही थी थीटा। यहां पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो मेरी इस फोर्स अप्लाई करने से बॉडी मूव करने की कोशिश भी करती है, मूव करती है या ट्राई करती है, या मैं ऐसा बोल देता हूं कि इस क्वेश्चन में बॉडी इज जस्ट एबल टू मूव। तो कोई बताएगा ये देखते ही एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो। ठीक है, इसका मास एम है, आपको बताना है कि एफ की वैल्यू क्या होगी अगर बॉडी इज जस्ट एबल टू मूव, आपको एफ सॉल्व करना है, और जस्ट एबल टू मूव का एक्सेलरेशन क्या लेनी है जीरो। क्या करेंगे इसमें, आप लोगों ने इसके कॉम्पोनेंट्स ड्रॉ किए, कॉम्पोनेंट्स में ये एफ है और ये क्या है एफ कॉस थीटा, ये क्या है एफ साइन थीटा। तो दिस इज एफ कॉस थीटा, दिस इज एफ साइन थीटा। नॉर्मल रिएक्शन कितना है एन और वेट बॉडी का कहा है नीचे कितना है एम जी। बॉडी कहाँ मूव करेगी, राइट की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी बिकॉज ऑफ एफ कॉस थीटा, और लेफ्ट की तरफ क्या लगेगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एफ इज म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, राइट। तो क्वेश्चन नंबर वन, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, अब इस क्वेश्चन के अंदर ये फोर्स अपवर्ड है, ये फोर्स अपवर्ड है और ये फोर्स डाउनवर्ड है, तो एफ साइन थीटा प्लस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी। तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ये स्टेप क्लियर है।
और एक स्टेप आगे, अगर क्वेश्चन में ये मेंशनड है कि बॉडी जस्ट एबल टू मूव, अगर ये मेंशन होता कि बॉडी एक्सलरेट कर रही है आगे की तरफ, तो ये फोर्स बड़ी होती और ये फोर्स छोटी होती। हॉरिजॉन्टल मोशन में अगर एक्सलेशन है इस तरफ, अगर गिवन होता क्वेश्चन में तो ये बड़ा ये छोटा, पर वो कह रहे जस्ट एबल टू मूव, एक्सलेशन क्या जीरो, तो नेट फोर्स क्या जीरो, तो आगे की फोर्स और पीछे की फोर्स एकदम बराबर। क्लियर है यहां तक? तो एक्सलेशन जीरो करने के लिए एफ कॉस थीटा की वैल्यू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, या एफ कॉस थीटा इज म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या है, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। इसे ओपन करते हैं, एफ कॉस थीटा इज म्यू टाइम्स एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा। तो ये इधर चला गया, एफ कॉमन आ गया, तो कॉस थीटा प्लस म्यू टाइम्स साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, म्यू टाइम्स एम जी। तो एफ की वैल्यू क्या आएगी, म्यू टाइम्स एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू टाइम्स साइन थीटा। मेथड समझ में आ रहा है कि फोर्स की वैल्यू कैसे निकलेगी इसमें? इसमें टेडी फोर्स एफ है, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, एम जी नीचे, बॉडी आगे चलने की कोशिश कर रही है तो फ्रिक्शन पीछे। पहला रूल क्लियर, बॉडी की अपवर्ड फोर्सेस एन और एफ साइन थीटा किसके इक्वल, एम जी, तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया पुश पुल की तरह। और क्योंकि बॉडी आगे जा रही है लेकिन वो कह रहा है एक्सेलरेट नहीं कर रही, जस्ट एबल टू मूव है, हल्की हल्की आगे जा रही है, तो आगे की फोर्स बड़ी पीछे की फोर्स बराबर बराबर बराबर, नेट फोर्स जीरो। तो ये आगे की फोर्स है एफ इनटू कॉस थीटा और पीछे की कौन है, म्यू है। बराबर कर दिया, एन को पुट कर दिया, सॉल्व कर लिया, एफ आ गया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, निकालो आंसर। क्वेश्चन है कि सपोज आपके पास फिर से एक बार ये एक ब्लॉक है, ये लो फिर से एक बार ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रही है F, ये रही। तो इसमें F फोर्स लग रही है और जो F फोर्स लग रही है वो एंगल थीटा बना रही है वर्टिकल के साथ। फ्रिक्शन गिवन है क्वेश्चन में, मास M है। अगेन अगर इस क्वेश्चन में गिवन है क्या, बॉडी इज जस्ट एबल टू मूव, तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन क्या ली जाएगी, जीरो। तो आपको बताना है फोर्स की वैल्यू इसमें क्या होगी, एफ कैलकुलेट करना है। बनाओ सेम डायग्राम्स, पुश वाला डायग्राम बनेगा, एफ निकालो। क्या किया इसमें, अब चेक करो इस क्वेश्चन में, सबसे पहले ये जो आपने फोर्स ली एफ, इसको प्लीज आगे की तरफ लेके जाना, ऐसा करने से इजी हो जाता है, ये थीटा तो ये भी थीटा। फिर आपने इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करने हैं एफ के, पहला कंपोनेंट फोर्स का ये रहा और दूसरा कंपोनेंट फोर्स का नीचे है,
तो पहला कंपोनेंट जो है उसकी वैल्यू क्या है, एफ कॉस थीटा, और ये कितना है, एफ साइन थीटा। क्या सबने ऐसे ड्रॉ किया? फिर नॉर्मल रिएक्शन कहां पर, ऊपर, और वेट कहां पर, नीचे नीचे। तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, बस एक ही फोर्स है ऊपर, ये फोर्स नीचे और ये फोर्स भी नीचे है। तो ऐसे क्वेश्चन में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg प्लस f इनटू कॉस ऑफ थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, राइट, क्लियर है। ये बॉडी अगर आगे मूव करती है, कौन सी फोर्स इसको आगे लेके जा रही है बोलो, कौन सी हॉरिजॉन्टल फोर्स आगे की तरफ है, एफ साइन थीटा, और कौन उसको अपोज कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। क्योंकि बॉडी जस्ट एबल टू मूव है, तो इसका मतलब आपकी जो अप्लाइड फोर्स है आगे की तरफ एफ साइन थीटा, वो किसके इक्वल होगी, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, ताकि एक्सेलरेशन क्या आ जाए, जीरो। तो एफ साइन थीटा इज म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हमने क्या निकाली ऊपर, एम जी प्लस एफ कॉस थीटा। तो यहां से एफ साइन थीटा इज म्यू टाइम्स एम जी प्लस म्यू एफ कॉस थीटा। इस टर्म और इस टर्म में से एफ को कॉमन निकाल लो, तो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, म्यू टाइम्स एम जी। तो एफ की वैल्यू क्या आएगी, म्यू टाइम्स एम जी बाय साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये आंसर आएगा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है यहाँ तक? हाँ, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। इस क्वेश्चन में यहां तक करने के बाद एक क्वेश्चन दिखेगा ऑब्जेक्टिव बुक्स के अंदर, आपको सेम क्वेश्चन होगा कि वो पुश कर रहा है और ये डायग्राम है और सब कुछ। वो फोर्स नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा कि अगर पुश करने पे ये बॉडी इज जस्ट एबल टू मूव, तो बताओ, पहली ऑप्शन साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू, दूसरी ऑप्शन कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू, तीसरी ऑप्शन टैन थीटा ग्रेटर देन म्यू। इन तीनों में क्या आंसर मार्क करेंगे? सेम क्वेश्चन है, हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, बॉडी को पुश कर रहे हैं। पुश करने से हमने क्या निकाल ली, फोर्स निकाल ली। कह रहे अगर ये पुश करने पे, इतनी फोर्स करने पे, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से पुश हो रहा है, तो कौन सी ऑप्शन ट्रू है? इसको ऐसे आंसर देना है, अगर आपने पुश किया तो आपकी फोर्स क्या है, पॉजिटिव, आगे की तरफ पुश किया, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी तब आएगी जब डिनोमिनेटर कितना, साइन थीटा माइनस म्यू इनटू कॉस थीटा शुड बी पॉजिटिव, यानी कि शुड बी ग्रेटर देन इक्वल, शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ये पॉजिटिव होगा तो अपने आप एफ पॉजिटिव आएगा, तो कंडीशन लगा दी, तो साइन थीटा लेस देन म्यू कॉस थीटा, कॉस नीचे आ गया तो टेन थीटा ग्रेटर देन म्यू इज द आंसर। पुराना नाता है म्यू का और टेन थीटा का, चाहे एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाल लो, एंगल ऑफ रिपोज निकाल लो, चाहे ये क्वेश्चन निकाल लो, म्यू और टेन थीटा ही आपस में रिलेटेड मिलेंगे आपको, ज्यादातर रूल नहीं है।